हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये क्रोशिए से हाफ जैकेट बनाना सीखेंगे कि ये किस तरह से बनी है। देखिए इसमें हमने कितना प्यारा पैटर्न डाला है। इसे बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। और बनने के बाद ये हमारी बहुत ही प्यारी लगती है, बनी हुई है जैकेट हमारी। तो देखिए इसमें हमने कोई भी ज्वाइंट नहीं किया है और ये हमने देखिए एक ही रो में बनाकर इसे हमने कंप्लीट किया है। देखिए कुछ इस तरह से टोटल हमने इसमें 21 पैटर्न डालकर इसे बनाया है। और देखिए ये इस तरह से बनी है और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए लूप बनाएंगे और यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3 धागा लेंगे। फर्स्ट चेन के अंदर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और देखिए ये हमारे तीन धागे हैं। पहले एक बार बनाएंगे, फिर से एक बार बनाएंगे, ये 2 का 1 किया और फिर से हमने ये 2 का 1 किया। तो देखिए कुछ इस तरह का हमारे पास ये लूप बनकर आएगा। अब फिर से हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 धागा लेंगे और इसके चेन के अंदर, इस लूप के अंदर हम डालेंगे। यहाँ पर हम पहले एक बार बनाएंगे, फिर से बनाएंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। तो हमारे पास ये सेकंड चेन बन गई। अब फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 धागा लेंगे और यहाँ पर भी सेंटर में हम क्रोशिया हुक डालेंगे, एक बार बनाएंगे, फिर से बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम ये चेन बनाते हुए ये हम 85 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमने 85 चेन बनाकर कंप्लीट की है, देखिए इस तरह से। तो अब देखिए हम इसके ऊपर पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 धागा लेंगे और देखिए ये जो हमारी चेन है इसके अंदर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हमारी चेन बन गई, एक हमारा डबल क्रोशिया, 2, फिर से बनाएंगे 3 4 5 6 7। देखिए ये 7 डबल क्रोशिया हमने बनाया। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 धागा लेंगे, एक चेन को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट चेन के अंदर हम यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर से बनाया, 2 चेन लेंगे, 1 2 धागा लेंगे सेम प्लेस पर, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, धागा लेंगे, एक बार और बनाया। ये देखिए इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिए की कली बनाई। अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और धागा लेंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में हम 4 डबल क्रोशिए की कली बनाएंगे। पहले हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक और बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब हम फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 धागा लेंगे और एक चेन हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम 4 डबल क्रोशिए की कली बनाएंगे। एक बार बनाया, ये 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर से यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पर एंड में हैं। एंड में देखिए यहाँ पर हमने ये 4 चेन बनाई है, धागा लेंगे और देखिए एक चेन हम स्किप करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 चेन बची हुई है, एक चेन स्किप करेंगे, यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिए की कली बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर से एक बार और बनाया, 2 1 2 धागा लेंगे और सेम प्लेस पर हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2।
फिर से दो चेन लेंगे, एक दो, और यहाँ पर हम सात डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखिए सात डबल क्रोशिया हमने बनाया, और यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ पर ये सात डबल क्रोशिया, फिर चार डबल क्रोशिया की कली बनाई थी, फिर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन किया था। तो सेम ही हमारा यहाँ पर बना है, सात डबल क्रोशिया, फिर चार की कली, और यहाँ पर हमने ज्वाइन कर किया है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर हम इसे काउंट नहीं करेंगे, जो ये चार की कली है इसे काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस, एक ये इक्कीस, हमारे पास इक्कीस पैटर्न आए हैं, और दस हमारे फ्रंट में आएंगे और ग्यारह हमारे बैक में आएंगे। तो इस तरह से हमारे ये पैटर्न बनेंगे। अब हम इसके सेकंड रो में हैं, सेकंड रो देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हम चेन लेंगे तीन, एक दो तीन, धागा लेंगे, देखिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिए में बनाएंगे हम। यहाँ पर ये हमने बनाई दो, फिर से बनाएंगे तीन चार पाँच छः सात, देखिए ये सात डबल क्रोशिया हमने बनाया इस तरह से। अब हम यहाँ पर दो चेन लेंगे, एक दो, देखिए धागा लेंगे, अब ये हमारी चार की कली है तो हम इस पर दस बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे, देखिए ये जो दो की चेन बनाई थी तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये दो डबल क्रोशिया इनके ऊपर एक एक बनाएंगे, तो ये हमारे पास तीन बन गए, देखिए इस तरह से। तो देखिए तीन हमारे बन गए। अब ये जो दो हमने चेन बनाई थी यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, उसके लिए देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया एक और बनाया, तो ये देखिए ये टोटल हमारे पास पाँच बन गए। अब हम यहाँ पर दो चेन लेंगे और फिर से सेम प्लेस पर हम दो बार और बनाएंगे, देखिए ये दो बने, दो हमारे डबल क्रोशिया हैं तो ये चार बन जाएंगे, ये तीन बने एक और चार, फिर एक हम यहाँ पर बीच में बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे, एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे, तो ये दस डबल क्रोशिया की हमारी कली बनी। अब हम यहाँ पर कोई भी चेन नहीं लेंगे, धागा लेंगे, और यहाँ पर देखिए ये जो दो डबल क्रोशिया हैं इनसे पहले हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टाइम बनाया, फिर हम यहाँ पर ये डबल क्रोशिया दो, फिर से बनाएंगे तीन, और अब हम यहाँ पर बीच में बनाएंगे चार, एक बार और बनाएंगे पाँच, दो चेन बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया एक बार और बनाया दो, फिर ये दो हमारे डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर बनाएंगे तीन, एक और बनाएंगे चार, फिर यहाँ पर पाँच। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड बनकर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके थर्ड राउंड में हैं, थर्ड राउंड में हम पट्टी वैसे ही बनाएंगे, थ्री चेन लेंगे, हर एक चेन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक सॉरी तीन बन गए हैं हमारे, चार पाँच। देखिए फिर से यहाँ पर हम ये जो हमने फर्स्ट राउंड बनाया था सेम वैसे ही बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे, धागा लेंगे, और यहाँ पर जो हमने दो की चेन बनाई थी सेम प्लेस पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टाइम टू टाइम, अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पर हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, अब यहाँ पर हम पांच चेन बनाएंगे, एक दो
तीन चार पाँच, और देखिए ये जो हम यहाँ पर ये दो डबल क्रोशिया दोनों पैटर्न मिले हुए हैं, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, और धागा लेंगे और यहाँ पर सेंटर में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम फोर्थ राउंड में हैं। फोर्थ राउंड में हम सेम ये जो हमने सेकंड राउंड बनाया था सेम वैसे ही बनाएंगे। एक बार देखिए यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे और देखिए यहाँ ये जो दो डबल क्रोशिया है इनसे पहले यहाँ पर हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इन दो डबल क्रोशियों के साथ हम एक एक और बनाएंगे। तो ये दो बनाए हमने, अब ये हमारी यहाँ पर दो चेन है तो यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए पांच डबल क्रोशिया हमारे बन गए। अब हम यहाँ पर दो चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, एक, देखिए ये दो डबल क्रोशिया हमने बना लिया, चार डबल क्रोशिया की कली बन गई है। अब हम यहाँ पर ये देखिए ये जो दो डबल क्रोशिया इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो और एक हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर अब हम यहाँ पर कोई भी चेन नहीं लेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल डबल क्रोशिया, फिर इन दो डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर बीच में हम चार डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, एक दो, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, एक दो, ये दो डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनाते हुए बार बार हम यही दो रो रिपीट करेंगे। जो हमने फर्स्ट और सेकंड बनाई थी सेम वही रो हम बार बार रिपीट करते हुए इसकी लेंथ हम कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं इसकी लेंथ बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम इसमें हम 18 पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए ये जो हमने चार डबल क्रोशे की कली सॉरी 10 डबल क्रोशे बनाए हैं इन्हें हम काउंट करेंगे तो ये हम 18 बनाएंगे जिससे हमारी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी आर्म होल तक। तो ये मैं लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए लेंथ बनकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। इसमें हमने देखिए 18 पैटर्न बनाकर कंप्लीट किए हैं। तो देखिए यहाँ से हम इसमें काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, ये हमने 18 पैटर्न बनाकर इसकी लेंथ रखी है। आप भी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसे बनाएं और फिर इसके बाद देखिए हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो देखिए किस तरह से, देखिए अब हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर हम इसमें बनाएंगे तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, हम ये बटन पट्टी बना लेंगे। बटन पट्टी में हमारे सात डबल क्रोशिया है तो ये बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, एक दो, दो चेन लेंगे और फिर से हम दो डबल क्रोशिया की बनाएंगे। ये देखिए हमने चार डबल क्रोशिया की कली बनाई तो इसी तरह से हम इन चार के ऊपर भी बना लेंगे, एक दो तीन और ये चार। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट बन जाएगा। तो हम इन चार के ऊपर भी हम सेम यही चार डबल क्रोशिया की कली बना लेते हैं। देखिए ये बनाते हुए हमने इसमें पांच पैटर्न बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए हम पाँच चेन बनाकर और यहाँ पर इसे ज्वाइन करते थे लेकिन अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से दो चेन बनाई और यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इससे पहले वाला
ये दो दो डबल क्रोशिए हैं, इनके ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ये जो हम पांच डबल क्रोशिए बनाते थे तीन को हम स्किप करेंगे, लास्ट के दो के ऊपर हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और हम यहाँ से अब टर्न करेंगे और फिर से हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन डबल क्रोशिया, दो चेन। देखिए यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये दो तीन, अब हम यहाँ पर चार डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से एक और बनाया, दो दो चेन बनाएंगे, और फिर से हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, एक दो दो डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, ये दो बनाए, एक और बनाएंगे, तो ये हमारी पांच डबल क्रोशिया की कली बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर देखिए एक ये बनाएंगे, सेकंड थर्ड और फोर्थ, हम ये चार बना लेते हैं देखिए ये वाले, और इस पर हम आकर कटिंग करेंगे। तो पहले हम ये तीन जो पैटर्न है इन्हें कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमने पैटर्न बनाकर कंप्लीट किए हैं और अब हम यहाँ पर हैं, तो इसमें हम देखिए हाफ पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ पर, ये दो तीन और दो हम यहाँ पर बनाएंगे, एक दो। देखिए ये हमने हाफ पैटर्न बनाया है, अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे, एक दो, और फिर से हम ये बटन पट्टी बनाएंगे। देखिए हाफ पैटर्न हमने कटिंग के लिए ये स्किप किया है और अब हम ये बटन पट्टी बना लेते हैं। देखिए ये बटन पट्टी हमने बना ली है और अब हमने यहाँ पर दो चेन बनाए हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर एक दो दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और थर्ड में हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने बनाया, सेम प्लेस पर ही हम एक बार और बनाएंगे। तो ये हमारे पास पांच डबल क्रोशिए थे, दो हमने यहाँ पर स्किप किए, दो हमने बैक में स्किप किए, और बीच में जो हमारे पास एक डबल क्रोशिया था इस पर हमने दो डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम यहाँ पर पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, और देखिए यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर से पाँच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। अब यहाँ दो चेन लेंगे, फिर से दो डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से ये पैटर्न रिपीट करते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं, यहाँ पर हमारे पास दो डबल क्रोशिया है, तो हम यहाँ दो चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और दो डबल क्रोशिया के ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। यहाँ से अब हम इसे टर्न करेंगे, पहले हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे। देखिए फिर से हम यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागा लेंगे, अब हम दो चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया, ये हमारे पास टोटल तीन डबल क्रोशिया हमने बनाए, दो हम बीच में बनाएंगे, चार, एक और बनाएंगे, पांच, दो चेन और फिर से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो, देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड यहाँ तक बना लेते हैं, यानी ये तीन पैटर्न हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं, अब हम यहाँ पर देखिए धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से,
अब देखिए यहाँ पर हम ये दो डबल क्रोशिया इन्हें हम स्किप करेंगे और दो चेन बनाएंगे और ये सात डबल क्रोशिये की हम बटन पट्टी बनाएंगे। एक देखिए कुछ इस तरह से बनेगा हमारा ये, तो ये बटन पट्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए बटन पट्टी बनाते हुए हम यहाँ पर दूसरी साइड में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए कोई भी चेन नहीं बनाएंगे और यहाँ पर ये देखिए जो हमने वन डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर भी हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम कोई दो चेन बनाएंगे, एक दो धागा लेंगे और चार डबल क्रोशिये की हम यहाँ पर कली बनाएंगे। ये दो दो चेन, फिर से दो डबल क्रोशिया, इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से हमने ये बनाया है। अब हम देखिए ये यहाँ पर हम बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर बनाते हुए हम इसके रॉन्ग साइड यहाँ पर आएंगे, तो ये बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं बनाते हुए। अब हम इस पैटर्न में देखिए ये हम अपना फुल पैटर्न बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये दो डबल क्रोशिया बनाया, तीन, फिर से दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया। अब ये देखिए ये हमारे पास दो डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और देखिए यहाँ पर हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये जो हमारा एक डबल क्रोशिया है इसे हम स्किप करेंगे और यहाँ पर कोई चेन नहीं लेंगे, सिंपल हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया ये डबल क्रोशिया पे पट्टी बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया की ये दो हमने बनाई, तीन, तो ये बटन पट्टी हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। और देखिए ये कुछ इस तरह से आया है। देखिए ये बटन पट्टी हमने बना ली है। अब देखिए यहाँ पर हम जब भी ये चार डबल क्रोशिया की कली बनाते थे तो हम यहाँ पर दो चेन बनाते थे, लेकिन इस बार हम चेन नहीं बनाएंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, लेकिन इसमें हम चेन नहीं लेंगे। ये एक बनाया, एक और बनाया, दो दो चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया। देखिए कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर से हम पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टाइम टू टाइम, और यहाँ पर हम दो चेन और फिर से हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया। देखिए कुछ इस तरह से। और बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए जो यहाँ पर हम बैक में ये दो डबल क्रोशिया बना रहे हैं, यहाँ पर हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ये दो डबल क्रोशिया हमारे सिंपल ऐसे ही बनेंगे। तो हम ये रो बनाते हुए यहाँ तक और यहाँ से हम यहाँ पर बनाते हुए आएंगे, फिर आगे आपको बताएंगे कैसे बनाना है। देखिए अब हम यहाँ पर नेक की साइड में आ गए हैं। यहाँ पर अब हम कोई भी धागा नहीं लेंगे, सॉरी चेन नहीं लेंगे, और धागा लेकर यहाँ पर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टाइम हमने बनाया, ये सेकंड, थर्ड, एक बार और बनाएंगे ये फोर्थ, एक बार और फिफ्थ। देखिए पांच डबल क्रोशिया हमने बनाया, ये दो डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे और यहाँ पर अब हम दो चेन बनाएंगे, एक दो, और देखिए इसे हम दो चेन को स्किप करेंगे और यहाँ पर हम ये बटन पट्टी बनाएंगे। देखिए सेम ही हमने यहाँ पर नीचे बनाया था, चार डबल क्रोशिया की कली बनाकर हाफ पर हमने पैटर्न बनाया था और फिर पांच के ऊपर हमने दो डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर उसके ऊपर हमने वन डबल क्रोशिया, एक बार और वन डबल क्रोशिया। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी इसे बनाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए, ये हमने चार डबल क्रोशे की कली बनाई है, तो हाफ हमने यहाँ पर ये स्किप किया है और हाफ पर हमने पांच डबल क्रोशिया बनाया है। तो इसी तरह से अब हम ये चेन बना लेंगे बटन पट्टी। और फिर यहाँ पर देखिए, जब रोंग साइड में आएंगे तो यहाँ पर हम यहाँ दो हम यहाँ पर स्किप करेंगे और दो हम पहले, और थर्ड में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार हम ये बटन पट्टी बना लेते हैं। देखिए, ये बटन पट्टी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। देखिए, दो चेन बनाई हमने और धागा लेंगे। ये देखिए, दो चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन के अंदर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन के अंदर ही हम दो बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब फिर से हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन बनाई और यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर से पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, धागा लेंगे और यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिए की कली बनाएंगे। ये दो बनाए, दो चेन और फिर से दो डबल क्रोशिया। तो देखिए, इसी तरह से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे और बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। तो बना लेते हैं। देखिए, बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, कोई भी चेन नहीं लेंगे और धागा लेंगे और यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिए के सेंटर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर वन चेन लेंगे, धागा लेंगे और हम ये बटन पट्टी बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ये हमने वन डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम ये बटन पट्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये बटन पट्टी हमने बना ली है। अब हम यहाँ पर दूसरी साइड में हैं। यहाँ पर हम देखिए, कोई भी चेन नहीं बनाएंगे, धागा लेंगे और ये जो वन डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर नीचे बनाया था, अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे, एक दो, और धागा लेंगे और यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से दो चेन और दो डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर पांच चेन बनाएंगे, दो तीन चार पाँच, और यहाँ पर इसे हम ज्वाइंट करें। फिर से पांच चेन, दो तीन चार पाँच, धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे इस तरह से। फिर से पांच चेन, एक दो तीन चार पांच। एक दो तीन चार पांच, इससे ये दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे और जो ये लास्ट में दो डबल क्रोशिया है, इन पर हम ये दो डबल क्रोशिया ही बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए, देखिए ये हमारी गले की कटिंग बनकर कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए, हमने एक दो तीन चार पाँच, पांच पैटर्न में जाकर हमारी ये कटिंग कंप्लीट हुई है। और अगर हम ये दो डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो ये हमारी 10 रो में जाकर कंप्लीट हुई है। तो अब हम इसकी लेंथ तक इसके बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे और ये हमारे सिर्फ तीन ही पैटर्न चलेंगे, एक दो तीन। ये तीन पैटर्न हम ऊपर तक बनाकर लेकर जाएंगे। और हमारी यहाँ पर ये देखिए, ये हमने पाँच बनाई है तो हम चार ये पैटर्न और बनाएंगे, तो ये टोटल हमारे पास 9 पैटर्न हो जाएंगे। हमारी लंबाई के लिए ये काफ़ी रहेगा। आर्म होल की लंबाई हम 9 पैटर्न की रखेंगे। देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच, 6 हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो हम इसी तरह से बनाते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे और फिर इसका फाइनल लुक दिखाएंगे आपको कैसा बनकर। देखिए, आर्म होल की लंबाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और बनने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। और देखिए ये कितने प्यारी हमारा पैटर्न बनकर आया है। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।